गांव में सेकंड डे था हमारा, और जिस काम से मैं गई थी तो वो फंक्शन था उस दिन। तो फिर मॉर्निंग हम उठे और उसके बाद फिर हम गए जिम। जिम स्किप नहीं करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी स्किप हो जाए, क्योंकि ये पार्ट है लाइफ का, दिन का पार्ट है, और इसे कंप्लीट ज़रूर करना चाहिए। तो घर के पास में ही है जिम, तो गई फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने 1.5 घंटे का वर्कआउट करा, मिक्स एक्सरसाइज करा। और वहाँ का जो जिम ट्रेनर था वो मेरा बचपन का दोस्त था, तो उसने अच्छी खासी एक्सरसाइज करवाई मुझे और बोली कि सही, अच्छा है, डेडिकेटेड हो एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद मिक्स ही करवाई उसने, और जितनी एक्सरसाइज हो पा रही थी तो उतनी 1.5 घंटे में मैंने कंप्लीट करी। और थोड़ा सा मैंने सोचा कि हैंग करके देखती हूँ कितनी सेकंड रुक सकती हूँ, तो ग्लव्स पहने नहीं थी तो फिसल रही थी, तो ज़्यादा देर हैंग नहीं कर पाई। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद आए घर, घर में खाया हमने एप्पल, और भैया बोले और क्या खाना है, मैंने कहा जो भी है दे दो खाने के लिए, और खाए फिर आगे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। फिर उसके बाद भैया बोले और क्या चाहिए तुमको, मैंने कहा कुछ प्रोटीन सोर्स हो तो वो दे दो। फिर खाया, भैया ने प्रोटीन रोस्ट करके दिया, फिर वो खाया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो फंक्शन है तो उसके लिए चलना चाहिए। फिर रेडी हुए हैं हम और निकल गए अपनी कुलदेवी, हमारे घर से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, तो वहाँ पर पहुँचे हम। और रास्ते में वीडियो बनाते हुए आराम से मस्ती करते हुए, पता ही नहीं चला कब 20 किलोमीटर का सफ़र कट गया। और उसके बाद फिर जिस बच्चे का मुंडन था, तो वो ये था उसके बेचारे के पहले खूब बड़े बड़े बाल, क्यूट सब बेबी था। उसके बाद इन बालों को बेचारों को कटना था और पूरा टकलू टकलू होना था इसको। और ये बहुत ही शांत है और क्यूट है और खेलता रहता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता। ये मेरा हाथ खा रहा है, क्यूटी पाई है। और इस बच्चे को मैंने तब देखा था जब ये पैदा हुआ था, उसके इतने दिनों बाद मैं इसको देख रही हूँ, मतलब बच्चों का फेस कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। उसके बाद हम पहुँच गए फाइनली मंदिर आए, और वहाँ पर ये झालर लगी हुई थी, तो मैंने बोला ये मेरे वेलकम के लिए। तो दीदी की बेटी बोली कि ज़्यादा हीरोइन मत समझो खुद को, चुपचाप से चलो। फिर भाई साड़ी पहनी थी, और जैसी भी पहनी थी वो राउंड करना तो ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो एक वीडियो निकालो तुम ऐसे। और आगे भाभी कैमरा लिए खड़ी हुई थी, तो उनको मैं बाय कर रही थी। फिर उसके बाद वहाँ चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, और वहाँ पे जो भी होना था, जो कार्यक्रम होना था, मतलब बच्चे के बाल कटने थे, बच्चे को टकलू टकलू होना था, तो वो सब शुरू हो गया। और मैं और दीदी की बेटी अपना एंजल वीडियो बना रहे थे चारों तरफ वहाँ का नज़ारा देखते हुए। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, तो ये मेरे पास आई फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, पता चला फ़ोटो नहीं, मैं वीडियो ही बना रही थी। तो बोली पता नहीं कितना परेशान करती हो मुझको, बार बार फ़ोटो 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 में थक जाती हूँ। तो मम्मी लोग बोली कि तुम लोग कर के आ रहे हो, अंदर क्यों नहीं आ रहे हो पूजा करने। तो मम्मी लोग अपना पूजा करने में बिज़ी थी, और ये हमारी मतलब मम्मी की और कुलदेवी हैं। उसके बाद ये पेड़ जो है वहाँ का काफ़ी ज़्यादा पुराना पेड़ है, और फाइनली अब बच्चे का मुंडन होने जा रहा है, उसको टीका वीका लग चुका है। तो अपनी दादी के पास अभी बैठा हुआ है, मम्मी कह रही है इसके बालों से रबर बैंड हटा दो। फिर उसके बाद जो भैया थे वहाँ जो बाल काटने आए थे, उनके पास एक ये छोटू सा फ़ोन था, और वो इतना क्यूट था, और वो इस फ़ोन से बात भी कर रहे थे। तो फाइनली बच्चे का मुंडन हो गया, और ये देखो कैसे आराम से बैठा है, रोया नहीं था, ना ही इसने बिल्कुल परेशान किया था, और आराम से ये इसने अपना सब करवा लिया। उसके बाद फिर वहाँ पे नवरात्रों का टाइम चल रहा था, तो वहाँ पे काली माता जी की मूर्ति लगी हुई थी, और वो इतनी काफ़ी बड़ी मूर्ति थी और बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर मूर्ति थी। मुझे वैसे भी इनसे बहुत ज़्यादा मतलब लगाव है, मुझे बहुत पसंद है इनके बारे में पढ़ना जानना, मतलब हर चीज़ मुझे पसंद है इनके बारे में, तो अलग ही किस्म का लगाव है इनके साथ। और जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी होता है मेरे को, तो मैं मतलब इनसे शेयर करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनको देखना। फिर उसके बाद सारा कार्यक्रम ख़त्म हुआ, उसके बाद हम लोग आगे वापस घर के लिए चलने के लिए रेडी हो गए, मम्मी बच्चों को लिए हुए। फिर उसके बाद वापस गाड़ी में बैठे, और फिर आधे पौन घंटे का सफ़र जो भी था वो तय किया, प्रसाद खाया, और उसके बाद आ गए घर। काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि ये सब कार्यक्रम होने में ही 3 से 4 घंटा लग गया था लगभग। दीदी की बेटी बोली है मैं भी थक गई हूँ, और इन लोगों को आज ही निकलना था। घर आए, बच्चे को नए कपड़े वापस से पहनाए,
उसके बाद उसका थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक करा, कैसे आराम से बैठा हुआ है, रो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, भूखा था शायद। फिर उसके बाद दीदी की बेटी बोली, अब आज रात की ट्रेन है 10 बजे की, तो चलो मुझे कुछ खिला के लाओ। मैंने कहा चलो भैया, एक ही जगह जाना होता है तुम्हें पिज़्ज़ा खाने, और वही तुम्हारी एक लास्ट बचती है। तो फिर गए हम वहाँ, अच्छा खासा इसने चूना लगाया, हमारा पिज़्ज़ा खिलाया, वापस घर आ गए। बाय।